एक अचीवमेंट थी, दिस वॉज सिंपली अ स्मॉल अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि मैंने इससे भी बहुत सारी अचीवमेंट्स लाइफ में हासिल की हुई है, लेकिन टू बी द फर्स्ट इन कश्मीर जिसका ये सपना पूरा हुआ, तो एक ऑनर फील करवाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ से आगाह करता हूँ कि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल टू बाय अ लैंड ऑन अ मून और ऑन एनी सैटेलाइट। बट आजकल के ज़माने में अगर हम देखेंगे कि इन फ्यूचर इंशाल्लाहुर्रहमान अगर जो हमारा इसरो है या जो नासा है, इस जो हमारे साइंटिस्ट्स है वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर आफ्टर 100 ईयर्स, आफ्टर 200 ईयर्स और 300 ईयर्स ये कम्प्लीटली पॉसिबल होगा इंशाल्लाहुर्रहमान। मैं यहाँ पर यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी जो ड्रीम्स है आपके या अपनी जो आपकी जो सोच है उसको इतनी आगे किए कि अब जो हमारी नज़र है वो इंशाल्लाहुर्रहमान चांद पे ही है, हमारा जो फ्यूचर है वो चांद पे ही है। दिस टाइम इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर इट इज़ पॉसिबल इंशाल्लाह कि वहाँ पर इंसान जा सकता है। अगर हम देखें आज से 50 साल पहले तो ये पॉसिबल नहीं था कि हम यहाँ से दुबई 4 घंटे में सफ़र तय करेंगे या यहाँ से इंग्लैंड हम 10 घंटे में पहुँचेंगे। बट साइंस ने इतनी तरक्की की कि एरोप्लान या जेट्स का ईजाद हुआ, तो आज हम 4 घंटे में वो सफ़र तय कर सकते हैं। तो इसी तरह से नासा बहुत मेहनत कर रहा है, इसरो बहुत मेहनत कर रहा है। मेरे पास भी ये जो सपना था ये आफ्टर चंद्रयान 3 ही जब इंडिया ने लॉन्च किया, ये एक दिमाग में मेरे में आया कि मैं भी इसके लिए अप्लाई करूं एंड देखता हूं इंशाल्लाहुर्रहमान अगर अल्लाह ने चाहा तो ये मैं गिफ्ट अपने पापा को करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और वाजा करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कश्मीरी जो भाई है उनके जहन में ये बात आ रही होगी कि मैंने कितना पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट किया। दिस इज़ नॉट अबाउट द मनी एंड ऑल दैट, ये एक प्रोफाइल होता है। उसके बाद जब आपका प्रोफाइल सेलेक्ट होता है उसके बाद आपको एक नॉमिनल चार्जेस, यहाँ पर कोई भी ये बाय कर सकता है, मगर इसके लिए एक प्रॉपर सिर्फ वेबसाइट है, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स भी है, बहुत सारी अदर वेबसाइट्स भी है जो इसका फ़ायदा उठा सकती है। जैसे जब कोई भी ये चीज़ किसी भी चीज़ का इन्वेंशन होता है तो वहाँ से 50 बंदे स्कैमर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो स्कैम करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं वाजा करूँगा कि जब भी आप कोई अगर आप इन फ्यूचर या कभी भी इस चीज़ को परचेज़ करना चाहते हो तो इसका जो प्रोसेस होता है, पहले आपका प्रोफाइल सिलेक्ट होता है, उसकी पूरी छानबीन होती है, उसके बाद ही आपको वो मौका मिलता है कि जब आपका प्रोफाइल सिलेक्ट होता है उसके बाद आपसे एक नॉमिनल चार्ज मांगा जाता है, जो नॉमिनल चार्ज आपको पे करना पड़ता है इन डॉलर्स, वो भी इंटरनेशनल ल्यूनर सोसाइटी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है न्यूयॉर्क की, उनको पे करना पड़ता है, तब जाके आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास पहुँचते हैं। तो किसी भी ट्रैप में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप कभी भी अपने लव्ड वंस को गिफ्ट कर सकते हो तो आप आराम से वो कर सकते हो, लेकिन किसी भी ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, चूंकि मैं सर ये कंप्लीटली एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ कश्मीरी एंटरप्रेन्योर, एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया, मैं यहाँ पर यह चीज़ वाजह करता हूँ कि किसी भी ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रोसेस होता है, मुझे इस प्रोसेस में 6 महीने लगे, मैंने कोई लाख रुपया इन्वेस्ट नहीं किया है, कोई करोड़ों में इन्वेस्ट नहीं किया है, कोई अरबों में इन्वेस्ट नहीं किया है टू परचेज अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड ऑन मून। ये सिर्फ और सिर्फ ऑनरी होता है, ये एक गेस्चर, टोकन ऑफ लव होता था, टोकन ऑफ लव है मेरी तरफ से हमारे यूथ को कि वो एनकरेज हो जाए जब वो सपना देखते हैं। इससे पहले जब हम बचपन में होते थे तो कोई कहता था कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, लेकिन वो तब हमें सपना लगता था, लेकिन अब आजकल के ज़माने में ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं इस पर वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर आफ्टर 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 100% मैं एश्योर हूँ इंशाल्लाह जो आज की साइंस और टेक्नोलॉजी है कि वक्त आएगा इंशाल्लाह ज़रूर 110% कोई ना कोई जनरेशन हमारी ऐसी आएगी जो जैसे हम इस टाइम ना जहाज़ों में सफ़र करते हैं, एक वक्त ऐसा भी आ गया हम स्पेसशिप में सफ़र करना इंशाल्लाह बहुत ही आसान होगा। जो इसके लिए एन ऑनर, इट्स अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम यू डियर ब्रदर। यहाँ पर जो मैं आवाम को कहना चाहता हूँ, ये प्रैक्टिकली कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है कि इस वक्त मैं चाँद पे जा रहा हूँ या चाँद पे मुझे जाना है, ये कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। ये अभी साइंटिस्ट्स के लिए मुश्किल होता है कि वो चाँद पे जाए। आपको पता है इसमें खरबों ट्रिलियंस खर्चा होता है कि वहाँ पर जब भी कोई स्पेसशिप जाती है, एक सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिकल ही होता है कि वो हम
वहाँ पर एक तजुर्बा कर सके वहाँ पर पहुँचने की। एंड रिसेंटली जो हमारा ये जो तजुर्बा था चंद्रयान थर्ड जो सक्सेसफुल लॉन्च हुआ, उसके बाद ही इंशाल्लाह जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स है या जो बॉलीवुड स्टार्स है, बिग नेम्स है, उन्होंने जब परचेज किया तो मैंने भी सोचा कि मैं भी इसमें कोशिश करता हूँ एज अ सिटीजन ऑफ कश्मीरी के हम कश्मीरी भी शाना बशाना पूरे हिंदुस्तान के उन बिजनेसमैन के साथ चल सकते हैं। हम उनसे पीछे नहीं हैं, हम उनसे कम भी नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑनरी होता है, ये कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कि आप अभी जाएंगे, आपने लैंड लिया तो अब आप उसके मालिक हो गए, तो आप अब वहाँ जाएंगे, वहाँ पर घर बनाएंगे, अब वहाँ पर तहसीलदार कौन है, जैसे कि बाकी कश्मीरियों के दिमाग में ख्याल आएगा तहसीलदार कौन है, पटवारी कौन है, ये चीज़ नहीं होता है। दिस इज़ सिंपली एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ सिंपली जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लूनर सोसाइटी, जिन्होंने पहला कदम चांद पे रखा था 20th July 1969। तो उनके पास अथॉरिटी है, वो आपका प्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं, चेक करते हैं और आप किसी को ये टोकन ऑफ लव एज गिफ्ट करते हैं। और कोई भी इसमें कोई ये कोई कारनामा, बड़ा कारनामा मैंने नहीं किया है, इससे बड़े कारनामे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ में किए हैं। अपने कश्मीर का नाम इसे ऑफ लव था मेरे पापा के लिए, जो मैंने अपने पापा को गिफ्ट किया। इसमें बहुत सारे अब ऐसे भी वेबसाइट्स क्रिएट हो जाएंगे जो स्कैम्स बन के आएंगे, तो मैं गुजारिश करूँगा आप सबसे कि किसी भी स्कैम में, किसी भी स्कैम में ट्रैप नहीं होएगा। अगर कोई भी वेबसाइट आपको पैसा पहले मांगती है तो समझ लीजिएगा कि ये ट्रैप है। अगर आपका प्रोफाइल वो मांगते हैं, आप अपना प्रोफाइल दे देते हैं, तो उसके बाद प्रॉपर तहकीकात के थ्रू ही आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, ये कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, हज़ारों की बात है, कुछ ही हज़ारों की बात है। जो नॉमिनल चार्जेस होते हैं आपके डॉक्यूमेंट बनने के लिए, वही होता है, बाकी कुछ नहीं।